दोस्तों, इस सैटरडे हम गए थे कोलसास माउंटेन ट्रैक, और चूंकि आप देख सकते हैं बोर्ड में कोलसास, और सामने जो आपको माउंटेन दिख रहा है, हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग की और जो नज़ारे थे वो बहुत ही अच्छे थे। और ट्रैक की तैयारी शुरू होती है हमारे घर से, जहां पर हमने सुबह सुबह कुछ ट्रैक के लिए सैंडविचेस पैक किए। फिर हम फटाफट चल देते हैं घर से बाहर और पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन पे, जहां पर हम चेक करते हैं कि हमको किस स्टेशन पे ड्रॉप होना है। तो आप सामने देख सकते हैं कि 3 नंबर मेट्रो हमको लेना है और हॉवर स्टेशन पे ड्रॉपिंग पॉइंट है। यहां से हम पहुंचते हैं सेंट्रल स्टेशन, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा मेट्रो 3 मिनट बाद है। फिर हम फटाफट मेट्रो में चढ़ जाते हैं और रास्तों के नज़ारों का लुफ्त उठाते हैं। उसके बाद हमारी पल्टन हॉकर स्टेशन पे उतरती है और ट्रैक करना शुरू करती है। अगर आप यहाँ पे कभी ट्रैक के लिए आए तो हॉकर स्टेशन से उतरते ही लेफ्ट साइड पे आपको कोलसास माउंटेन दिख जाएगा। वेलकम टू माय चैनल नॉवे वाले, जो आप पीछे देख पा रहे हैं यह है कोलसास टॉपन, और आज हम ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको 3 नंबर मेट्रो पकड़ के हॉकर स्टेशन आना होगा। और चलिए ट्रैक शुरू करते हैं और रास्तों के नज़ारे आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, रास्ते में हमको मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स। फटाफट से इनका वीडियो लेके हम चले जाते हैं एग्जैक्ट ट्रैकिंग लोकेशन पे। तो दोस्तों, ये है वो लोकेशन जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया, और मेन रोड से आते आते आपको एक पॉइंट दिखेगा जहां से आपको राइट मोड़ना है और जंगल के अंदर घुसना है। जंगल काफी घने पेड़ों से घिरा हुआ है, तो एटलीस्ट आपको ट्रैक करते हुए तो धूप नहीं लगेगी। कोलसास का जंगल काफी हरा भरा था और यहाँ पर काफी सारी वनस्पतियां थी। रास्ते में हमको मिलता है एक दोस्त और इसको हाय करके हम निकल पड़ते हैं आगे। फिर हम खाते हैं जंगल के ऑर्गेनिक बेरीज और काफी सारे फ्रूट्स। थोड़ा आगे चल के हमको मिलता है एक बोर्ड जहाँ लिखा होता है हमारा ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। इसको देख के हमारे अंदर थोड़ी जान में जान आती है। और ये सोता हुआ थका हारा मैं से हम फटाफट चल देते हैं और खींचते हैं कुछ फोटोज। कोलसास माउंटेन से जस्ट 200 मीटर पहले हमको मिलता है किफ़ित्ता लोकेशन, जहां पर हम थोड़ी देर रुकते हैं और नज़ारों के मजे लेते हैं। और यहां से फटाफट हम चल देते हैं अपने ट्रैक की ओर। आगे जाके हमको मिलते हैं रास्ते में काफी सारे लोग, सबको हाय कहकर हम चल पड़ते हैं आगे। फाइनली काफी मेहनत के बाद हम पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट टॉप पर, और सामने आप देख सकते हैं काफी सारे लोग। और ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे है बहुत बढ़िया व्यू। सामने का नजारा देखकर हमारी सारी थकान मिट जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग धूप सेकते हुए और नजारों का लुफ्त उठाते हुए।
ट्रैकिंग करते करते हमको लग चुकी थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने ऊपर लंच किया। ये सामने हमारे मॉर्निंग में बनाए हुए सैंडविचेस। टॉप पर जाके लंच करने का मज़ा ही कुछ और था। सामने आप देख सकते हैं मेट्रो को जाते हुए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने दूर ट्रैक करते हुए आए हैं। ये देखिए कोलसास मेट्रो स्टेशन। फिर हमने काफी सारे पोज देते हुए काफी सारी फोटोज खिंचवाई और यहाँ पे आए लोगों को ऑब्जर्व किया। अभी समय हो चुका था घर जाने का, पर हमारा यहाँ से घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे ही हम घर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ही रास्ते पे हमको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ब्लूबेरीज के पेड़, तो हम यहाँ पर रुकते हैं और काफ़ी सारी ब्लूबेरीज को तोड़ते हैं और खाते हैं। हम पहाड़ से उतरना शुरू करते हैं और चल देते हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। रास्ते में मिले इस छोटे मेहमान को हम कहते हैं बाय। से हम फाइनली पहुंचते हैं हॉगर मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर आप ऊपर कोलसास माउंटेन को देख सकते हैं। फाइनली हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।